बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी आप जो हैं ज्वाइन किए हुए हैं मुझे लोग, आप लोगों ने जिन जॉब्स पे अप्लाई किया हुआ है उसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने आप में से पीपीएससी की असिस्टेंट की जॉब आई थी, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, 100+ जॉब्स थी, इसके ऊपर अप्लाई किया है। और इसका अभी कोई केस वगैरह चल रहा है, एक्सपेक्टेड है कि टेस्ट आपका जाके दिसंबर में होगा। कुछ आप में से लोग हैं जिन्होंने अब अप्लाई किया है असिस्टेंट इन पुलिस डिपार्टमेंट में। आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो गालबन देखी होगी जिसमें मैंने बड़ी डिटेल में इसका डेमो लेक्चर वगैरह दिया था कि इसकी क्या सैलरी होती है, स्ट्रक्चर क्या है, क्या कुछ मिलता है। ग्रुप में भी मैंने अपलोड किया हुआ है। और थर्ड कैटेगरी वो लोग हैं जिन्होंने इन दोनों जॉब्स के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। कुछ लोग हैं जिन्होंने असिस्टेंट एसएनजीडी में अप्लाई किया, कुछ हैं जिन्होंने असिस्टेंट इन पुलिस डिपार्टमेंट में अप्लाई किया, और कुछ लोग हैं उन्होंने दोनों ही सीट्स पे अप्लाई किया है। अब दोनों सीट्स का सिलेबस सेम ही है। अगर आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देखें जिस वक्त एडवर्टाइज करता है पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसमें साथ एंड पे सिलेबस दिया होता है और ये स्टेटमेंट लिखी होती है कि वन पेपर ऑफ एमसीक्यू टाइप जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स ऑफ 90 मिनट्स। 100 मार्क्स का पेपर है, 100 एमसीक्यूज हैं, 90 मिनट हैं और नीचे कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ये 10 सब्जेक्ट बनते हैं, इसमें से आपका टेस्ट लिया जाएगा। अच्छा, आप में से कुछ एस्पेरेंट ऐसे भी हैं जो लोग पीएमएस की ट्राई करते हैं और पीएमएस के, क्योंकि आप जिस एज ग्रुप में हैं इस एज ग्रुप में बंदा कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है और जिसका एम हाई होता है वो पीएमएस और सीएसएस की तरफ भी जाता है। अब पीएमएस में जो लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें एक 100 मार्क्स का पेपर आता है और सबसे टफ पेपर जो होता है वो यही होता है। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, 100 एमसीक्यूज होते हैं इसमें, टोटल 12 सब्जेक्ट होते हैं ना, उन 12 में से एक सब्जेक्ट ये आपका आता है पीएमएस में, सीएसएस में नहीं होता ये सब्जेक्ट जनरल नॉलेज का। और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें 40 नंबर भी नहीं आते स्टूडेंट्स के, 40 वाला पास होता है, अक्सर स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में ड्रॉप आउट होते हैं। सीएसएस का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट होता है इंग्लिश एस्से, एस्से पास करना। पीएमएस का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट होता है जनरल नॉलेज का पेपर पास करना। आप जब ये तैयारी करते हैं जनरल नॉलेज एग्जाम की, वन पेपर एमसीक्यू की, तो आपका ये पेपर भी तैयार हो जाता है, आपको अलग से फिर तैयारी नहीं करनी पड़ती। मींस आपका पीएमएस का एक सब्जेक्ट भी इसी तैयारी के थ्रू कवर हो जाता है। सिमिलरली सीएसएस, सीएसएस में जो लोग आप में से अप्लाई करते हैं उसके लिए एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट रखा जाता है, ठीक है, 200 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड। पहले ये क्लियर करेंगे तो आप लोग जो हैं वो नेक्स्ट कैटेगरी में आ सकेंगे सब्जेक्टिव पेपर देने, इसके भी 12 पेपर होते हैं। इस टेस्ट की तैयारी भी आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये जो हम सेशन रन कर रहे हैं इसमें जो आपकी तैयारी करवाई जाएगी उसमें आपके सीएसएस एमपीटी टेस्ट की तैयारी भी हो जाती है। कैसे? क्योंकि जो जनरल नॉलेज एमसीक्यू वन पेपर एग्जाम टेस्ट होता है वो, देखिए जनरल नॉलेज इज सेम फॉर ऑल, इस्लामिक स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज ही रहनी है। अगर वो आपसे पूछता है कि गजवा खैबर कब हुआ तो वो 6 हिजरी 7 हिजरी ही रहना है, ठीक है। अगर वो आपसे पूछता है फलां जो है रोजा कब फर्ज हुआ, वो 2 हिजरी ही रहना है, चाहे वो सीएसएस के पेपर में पूछ ले, चाहे पीएमएस के पेपर में पूछ ले, चाहे असिस्टेंट पुलिस में पूछ ले, चाहे असिस्टेंट एसएनजीडी में पूछ ले, सेम सिलेबस है। इसको बोलते हैं जनरल नॉलेज वन पेपर एमसीक्यूज एग्जाम्स। और जब हमारा ये रन बैच बैच रन हो रहा है,
इसके दौरान और मजीद भी सीटें आएंगी एफपीएससी के थ्रू भी और पीपीएससी के थ्रू भी, जिसके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकेंगे और उसका भी सेम सिलेबस ही होगा। ठीक है। अच्छा, इस सिलेबस में जो है आपके 10 सब्जेक्ट होते हैं। ये 10 सब्जेक्ट जो आपके सामने लिस्ट किए गए हैं, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड उर्दू। और इसी के अंदर से आपका जो है वो 100 MCQ का एग्जाम आता है। अब ये मैटर नहीं करता आपकी डिग्री क्या है, चाहे एक बंदा PhD है और एक बंदा सिंपल BA है। जिसने ये एग्जाम क्लियर कर लिया वो आगे तसव्वुर होगा, वो आगे माना जाएगा। ठीक है। क्योंकि जो PhD है, इन एग्जाम के हवाले से बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली वो PhD को प्रेफरेंस है, वो बाहर चला जाए कहीं यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दे, लेकिन हालात पाकिस्तान के कुछ अप डाउन ही है, हर किसी को ये अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। तो एग्जाम के हवाले से जिसने इस सीट पे अप्लाई कर दिया असिस्टेंट पंजाब पुलिस में या असिस्टेंट SNGD में, सुपीरियर वो ही होगा जिसका टेस्ट क्लियर होगा, जिसके अंदर जिसके टेस्ट में ज्यादा मार्क्स होंगे। तो आपको सबसे पहले अपना जो टारगेट बनाना है, अपना जो एम बनाना है, वो ये बनाना है कि इस MCQ के टेस्ट में आप हायर मार्क्स ले सकें। हम देखते हैं कि इवन BA पास स्टूडेंट CSS भी कर जाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी लग जाते हैं। अब एक बंदा PhD हो और वो कहे जी मेरी तो क्वालिफिकेशन ही बहुत है और ये BA पास कहाँ से, उसने जी एक टेस्ट क्लियर किया है और वो टेस्ट क्लियर करने के लिए उसमें 12 सब्जेक्ट थे, समझ लें उसने 12 डिग्रीज क्लियर की हैं। वो BA पास नहीं है, वो CSS पास है। सिमिलरली आप में से जिसको ये जॉब मिल जाएगी वो सिर्फ BA पास भी हो, तो वो जस्ट BA पास नहीं है, उसने इन 10 सब्जेक्ट से गुजर के गया है, देन उसने इंटरव्यू क्लियर किया है। ठीक है। तो इसी तरह एक मैं एग्जाम्पल है, मेरा एक दोस्त है, वो ना लाइन मैन है बाबडा में, बल्कि शायद असिस्टेंट लाइन मैन है। उसका जो है ना XCN, XCN क्या होता है, किसका एब्रीवेट होता है XCN, एग्जेक्टिव इंजीनियर। वो इंजीनियर है जस्ट, मतलब उसकी होगी एजुकेशन 17 ईयर। इसने MBA किया हुआ है, MPhil किया हुआ है, इसकी बन जाती है 18 ईयर। ये ग्रेड 4 में है कि 5 में है, गालबन 5 में है। तो एक दिन कहने लगा कि यार मेरी एजुकेशन ना XCN से भी ज्यादा है। उन दिनों शायद वो बाज़ का इंसान मुख्तलिफ तबीयत का मालिक होता है, कभी बड़ा डाउन हुआ होता है, फेजेस गुजरते हैं, कभी बहुत एक्साइटेड हुआ होता है, तो जरा एक्साइटमेंट में था बहुत ज्यादा। कहता ये XCN भी मेरे से नीचे है, मेरी एजुकेशन इससे ज्यादा है। मैंने कहा भाई अमेरिका नहीं है, उसने कमीशन का एग्जाम क्लियर किया, देन इंटरव्यू क्लियर किया, इस सीट पे आया, पहले वो SDO की सीट पे आया, फिर वो मराहिल से तजर्बे से गुजरता हुआ इस सीट के ऊपर आया। अगर आपने इस सीट पे आना है, आपके पास ठीक है MPhil की डिग्री है, MBA वगैरह किया हुआ था, फिर MPhil किया हुआ था, तो पास तो करो एग्जाम। वो जी मेरी बातों से मोटिवेट हो गया, उसने कहा मैं तो अब ब्यूरोक्रेट ही लगूंगा, और उसने डायरेक्टली CSS में ही अप्लाई कर दिया। 1200 में से उसके 152 नंबर आए जी टोटल। फेल, सारे सब्जेक्ट्स में। मैंने उसको कहा मेरी जो मोटिवेशन थी उसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि एग्जाम में अप्लाई कर देना है, पढ़ना भी होता है, रोज का 4 से 6 घंटे, सेम वन पेपर में भी डेली का 4 से 6 घंटे आपने पढ़ना भी था। सिर्फ ये नहीं है कि एक दफा आप जोश में आए और बस अपेयर हो जाएं और बाद में जो है रिजल्ट आपके सामने। कहने का मकसद आप लोगों को ये है कि जो कम्पिटेटिव एग्जाम की एक मिथ है, जो एक इनको क्रैक करने का तरीका कार है, वो है कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि आप एक्साइटेड हो
जी रिश्तेदारों की बात सुन के या किसी की बात सुन के, ठीक है, और मेहनत ना करें जी। मेहनत के बगैर मोटिवेशन बातों से कोई चीज नहीं होती, सिर्फ बातों से। पढ़ना पड़ता है आपको, प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज पे आके स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है, फिर कामयाबी आपको मिलती है, और डेफिनेटली मिलती है, कहीं ना कहीं आप लाजमी तौर पे कामयाब हो जाते हैं। और हमने ऐसी एग्जाम्पल्स भी देखी, कई लोग ऐसे के वो जो है कॉन्स्टेबल हैं, एक दफा एग्जाम दिया सीएसएस का फेल, इमरान बशीर गालबन, आप उसकी सक्सेस स्टोरी देखिएगा, फिर एग्जाम दिया फिर फेल, एएसए का एग्जाम दिया वो फेल, सीएसएस का दिया फेल, फिर सीएसएस का दिया फेल, फिर सीएसएस का दिया कुछ पास हुआ, फिर पीएमएस का दिया फेल, फिर पीएमएस का, तीन तीन अटेम्प्ट होती हैं, नौवीं अटेम्प्ट में वो बंदा जाके असिस्टेंट कमिश्नर लग गया जी, इमरान बशीर की स्टोरी देखिएगा। इस तरह एक और कॉन्स्टेबल भी है, उनकी स्टोरी, नौ एग्जाम फेल करके फिर जाके वो लोग भी हैं। और कितना प्रेशर होता होगा जब बार बार फैमिली फ्रेंड्स बाकी सब कहते होंगे हाँ जी क्या बना, एक दफा पेपर देने चले जाओ ना, फैमिली वाले और जो है इर्द गिर्द वाले जीना आराम कर देते हैं, हाँ जी क्या बना, वो अप्लाई किया हुआ था, वो अप्लाई किया हुआ था। तो इन बातों से बचने के लिए, इतना जो है ना बर्डन बर्दाश्त करने की बजाय, कोशिश करें कि आप पहली अटेम्प्ट में क्लियर कर जाएं। देखे हैं ऐसे बच्चे अभी यूनिवर्सिटी से निकले, पहली अटेम्प्ट दी और क्लियर करके डायरेक्ट सीट पे। एज लिमिट 30 ईयर है जी, 30 साल, पीएमएस की भी 30 साल है। तो उसका अब हल क्या है, इन सब्जेक्ट्स को कवर करना। तो हमारी कोर्स प्लानिंग क्या होगी, हम इन सब्जेक्ट्स को किस तरह से कवर करेंगे, हम इन सब्जेक्ट्स को बेसिकली हमारा जो कोर्स वर्क प्लान होगा, कोई एक सब्जेक्ट उठा लेंगे। आज मैं आपको थोड़ा मोटिवेशनल और डेमो लेक्चर दूंगा, कल से हम इंग्लिश का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। 5 डे क्लासेस होंगी हमारी, संडे ऑफ होता है, एक दिन और ऑफ हुआ करेगा, वो मैं रैंडम बता देता हूँ, किसी दिन मेरी कोई मीटिंग है, लेट हो गया हूँ या और कोई मसरूफियात है, वो मैं रैंडम 1-2 घंटे पहले बता देता हूँ। पर डे आपको असाइंड एमसीक्यू मिला करेंगे, उसमें ये हो सकता है कि मार्क्ड पास पेपर दे दूं, मेरा दिल है आज आपको जो है ना असिस्टेंट इन पंजाब पुलिस का मार्क्ड पेपर, ओरिजिनल पेपर है वो, ठीक है, जो पीछे पहले कभी सीटें आई, 3 बार इससे पहले आ चुकी हैं सीटें पिछले इयर्स में, तो उनमें आप ट्रेंड नोट कीजिएगा किस तरह के एमसीक्यू आए, तो आपका एक माइंडसेट क्लियर होगा। और कभी मैं आपको कुछ असाइंड एमसीक्यूज दे दूंगा, अगर इंग्लिश चल रही है कुछ सिनोनिम एंटोनिम दे दूंगा, आपकी एक रूटीन बनाने की कोशिश करूंगा। ग्रुप है अवेलेबल डिस्कशन के लिए, उसके अंदर जो स्टूडेंट नहीं ऐड उनको मैं ऐड कर दूंगा, लिंक में ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, एडमिन रिस्ट्रिक्टेड मोड वाले में, उसमें आप ओपनली डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने पास पेपर दिया है, जो मैंने मटेरियल दिया है, कोई चीज समझ नहीं आ रही उसको आप लोग डिस्कस करें, और कोशिश करें कि डेली बेसिस पे कुछ ना कोई चीज उधर डिस्कस करते रहा करें, कोई क्वेश्चन, कोई चीजें, इनबॉक्स में एक दूसरे के नहीं जा, ग्रुप के अंदर डिस्कस करना है। और फिर हमारा जो वीकली मॉक टेस्ट हुआ करेगा, जो हमने फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश जब मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हमने कर लिया, तो वीक के बाद हम उसका, वीक के बाद या 10 दिन जितने भी उसके लेक्चर हुए, आप मुझे एक टेस्ट दे देंगे, टेस्ट का तरीकाकार आपको बता दिया जाएगा। सिमिलरली जो मैं आपको पास पेपर दूंगा, जब वो 5 या 6 हो जाएंगे, तो एक टेस्ट में आपका उसका रख लिया करूंगा। इस तरह हमारे वीकली बेस पे एक दो टेस्ट भी होते रहेंगे, आपको ये जज भी होता रहेगा आप प्रिपरेशन के किस लेवल पे हैं। वो उसी सूरत मुमकिन होगा जब आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे होंगे, जो डेली का काम आपको डेली मिलेगा उसको आप करते जाएंगे। अगर आप कहेंगे नहीं वीक के बाद इकट्ठे पेपर पढ़ लूंगा, इकट्ठे लेक्चर्स कवर कर लूंगा, फिर चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। स्ट्रेट फॉरवर्डली कंसिस्टेंट होकर चलने का नाम है, जोश में आने का नाम नहीं, वो जो मैंने अपने दोस्त वाली आपको एग्जाम्पल दी, आपने उस एग्जाम्पल को फॉलो नहीं करना, आपने इमरान बशीर की एग्जाम्पल को फॉलो करना है, जिसने फेलियर से भी डरा नहीं, झुका नहीं और चलता गया, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम क्लियर करते जाएंगे, और 10 के 10 हमारे साथ सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे, कुछ हमारे पास पेपर क्लियर हो जाएंगे, और ये जो मैंने एक आपको स्टडी का प्लान बताया है, ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है। हमारे जो स्टूडेंट हैं, देखिए वो कुछ ऐसे हैं जो बहुत ब्रिलियंट लेवल के हैं, कुछ
कुछ ऐसे हैं जो मिडल लेवल के हैं, एवरेज लेवल के हैं, कुछ का माइंड कैलिबर चेंज होता है, हर बंदे का माइंड कैलिबर चेंज है। मैं एक एवरेज कैलिबर के को लेके चलूंगा एवरेज हिसाब से, क्योंकि हमें सबको साथ लेके चलना है। लेकिन अगर किसी के पास आपके पास टाइम है तो आप डेली बेसिस पे 2 से 3 पास पेपर एक्स्ट्रा भी पढ़ें। पीपीएससी इम्तिहाज शाही 99th एडिशन अब चल पड़ा है उसका, वो ले लें। अगर जो भी एडिशन मौजूद है उससे फर्क नहीं पड़ता, 3-4 पेपर जो न्यू होते हैं वो आपको प्रोवाइड कर भी दिए जाते हैं, तो न्यू भी नहीं आपको लेने की जरूरत। जो बुक आपके पास पड़ी है उसमें से 2 पेपर डेली बेसिस पे मैंने दिए हुए असाइंड के अलावा से भी पढ़ा करें। ये एक जो है ना एक्स्ट्रा माइल आप कह लें हो जाएगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कामयाबी जल्दी चाहते हैं। तो आज का मैं आपको एक लेक्चर देता हूं, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। हमें अपने पाकिस्तान के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए, तो उसके कुछ फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में हम लोग जो है वो जान लेते हैं। जो आमतौर पे हमारा ज्योग्राफी का पार्ट होता है पेपर में या पाकिस्तान अफेयर का पार्ट होता है, उसमें इससे रिलेटेड एमसीक्यू काफी सारे आते हैं कि जिस जगह हम रह रहे हैं, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, उसके जो यहाँ के कोई सकाफती विरसे हैं, कोई फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, बिराजीज वगैरह, इसके बारे में हमें बीइंग ए पाकिस्तानी पता होना चाहिए। तो फिजिकल जियोग्राफी क्या होती है? द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी डीलिंग विद नेचुरल फीचर्स। सबसे पहले तो जियोग्राफी देख लें, जियोग्राफी किसे कहते हैं? जियो का मतलब होता है अर्थ, जमीन, और ग्राफ का मतलब होता है कोई पिक्चर वगैरह ड्रा करना, यानी अर्थ की पिक्चर वगैरह ड्रा करना। जब हम फिजिकल जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के फिजिकल फीचर्स को जो मौजूद हैं हमारे लैंड पे उनके बारे में जानना। तो इन फिजिकल फीचर्स में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कुछ रिवर्स आ जाते हैं, दरिया आ जाते हैं, माउंटेन आ जाते हैं, पहाड़ आ जाते हैं, डेजर्ट्स आ जाते हैं, इसके अलावा जो है हमारी बेराजीज आ जाती हैं, हमारे मोटरवेज आ जाते हैं, और हमारी जो टनल्स हैं मुल्क की वो इसके अंदर आ जाती हैं। तो इनके अंदर से हम जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, पाकिस्तान के बारे में कुछ जान लेते हैं, आपको पाकिस्तान का एक विजिट करवा देते हैं। तो सबसे पहले हम जो हैं वो रिवर्स के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान के टोटल कितने रिवर्स हैं? जिनको एग्जैक्टली पता है या पहले लेक्चर लिया है वो नहीं बताइएगा, बाकी लोग बताइएगा, जिन्होंने ऑलरेडी मेरे से ये सुना हुआ है वो ना बताइएगा बाकी। अच्छा, साथ डिस्कशन करते रहिएगा, इससे ये होगा कि चाहे गलत जवाब देते हैं ठीक देते हैं मैटर नहीं करता, इंटरेक्शन होता रहेगा, एक मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोग जो हैं वो जाग रहे हैं। क्योंकि बाज़ ये होता है इस तरह के लेक्चर्स में अक्सर लोग टीवी सीरियल देखने लग जाते हैं, कोई चाय बनाने चला जाता है, कोई हैंड फ्री बस लगा के साइड पे। अच्छा जी, अहमद रजा ने कहा 5 है, नादिया इकराम ने कहा 5 है, डॉक्टर निदा हसन ने कहा 5 है, सिदरा ने कुछ तादाद बढ़ा दी 8 कर दिए हैं, और मेमुना कहती हैं कि मेरे ख्याल से पंजाब में सिर्फ 5 है। अच्छा जी, चले 5 वाली बात तो समझ आती है, ये 8 वाला क्या लॉजिक है? अच्छा, जो कोई अगर क्वेश्चन का गलत जवाब देता है ना तो मैं अगर उस पर कोई मजाक वगैरह करता हूँ तो उसको दिल पे नहीं ले जाना, वो जस्ट वैसे ही एक कभी कभी झोली तबीयत आ जाती है मेरे में, तो उसको मैं कर रहा होता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपने डिसहार्ट होके अगली दफा से जवाब नहीं बताना, जो आप खुल के बताएं गलत मलत जो भी है बोलने तो सही, ठीक है, जो बंदा चुप है उससे तो बेहतर है आप, लेकिन लॉजिक नहीं समझ आई 8 वाली। अच्छा, अमान इलियास ने 50+ ही कर दिए हैं जी, पूरा पाकिस्तान ही बहा दिया है। टोटल जी जो दरिया हैं वो
24 है जी पाकिस्तान के, 24 है। ये बिल्कुल ठीक का मेमुना सादिया ने कि आई थिंक पंजाब में सिर्फ 5 हैं, बिल्कुल ठीक का, पंजाब में सिर्फ 5 हैं जी। और आम तौर पे हम उन 5 का ही मतलब नाम ले लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। टोटल 24 दरिया हैं जिनमें से पंजाब में 5 हैं, सिंध में 4 हैं, केपीके में 8 हैं, बलूचिस्तान में 7 हैं। ये आपने तरतीब भी याद करनी है हर सूबे में कितने दरिया हैं। अच्छा देखिए, पंजाब वाले जैसे हमें ज्यादातर आमतौर पे ये होता है कि 5 दरिया हैं, वो हम किस हिसाब से कह देते हैं? वो हम कह देते हैं कि इंडस, सिंध, दरियाए सिंध, चनाब, रावी, सतलुज, ठीक है, और झेलम, ये 5 के हमने नाम सुने होते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत पाकिस्तान एक्सप्लोर किया है, आजाद कश्मीर की तरफ गए हैं, बल्कि कुछ स्टूडेंट तो आजाद कश्मीर के खुद हैं या कुछ केपीके के हैं, तो आप देखिएगा दरियाए नीलम, दरियाए स्वात, ठीक है, इसके अलावा जो है दरियाए काबुल, दश्त रिवर, हिंगोल का दरिया, और सिंध के अंदर मुलेर का और लियारी का दरिया, तो ये भी तो दरिया हैं। तो इसका मतलब दरिया ज्यादा हैं, 24 हैं, जिनमें पंजाब में 5 हैं, सिंध में 4 हैं, केपी के में 8 हैं, और बलूचिस्तान के अंदर 7 हैं। अब आम तौर पे हम ज्यादा डिटेल इन 5 की पढ़ते हैं, और एमसीक्यू के हवाले से भी इन 5 से ज्यादा आता है पेपर, लेकिन तादाद हमें सबकी याद होनी चाहिए। वैसे सिंध के अंदर जो है वो 4 है, सिंध के दरियाओं में जो है वो हब रिवर आ जाता है, इसके अलावा लियारी आ जाता है, मलीर आ जाता है, कोई एक दो के आपको नाम याद होने चाहिए। सम टाइम देखिए, हमारा मकसद सिर्फ एक पहले पेपर पास करना नहीं, वैसे ऑब्जेक्टिव मेनली सेशन का तो पेपर पास करवाना है, लेकिन साथ साथ अपना आपने अपना एम हाई रखना है कि आपने इंटरव्यू भी तो पास करना है। जॉब कब मिलेगी? जब आपका एग्जाम और इंटरव्यू दोनों ना सिर्फ पास होंगे बल्कि बाकी सबसे ज्यादा नंबर आपके होंगे, तब जाके जॉब आपको मिलेगी। कंपटीशन काफी हाई होता है। आपको पता है असिस्टेंट पंजाब पुलिस में कितने लोगों ने अप्लाई किया है? 100 सीट्स पे, 100 प्लस सीट्स पे कितने लोगों ने अप्लाई किया है? हाँ जी, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। सीटें कितनी हैं? 100। इंटरव्यू में कितने लोग जाएंगे? एक सीट पे 5 लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, 500 लोग। इन 500 में से फिर 100 लोग सिलेक्ट होंगे आप में से, वो आप में से ही होंगे इंशाल्लाह जो पढ़ेंगे। तो इतना हाई मेरिट है, और यकीन करें कि इन 1 लाख लोगों में जिन्होंने अप्लाई किया, पढ़ने वाले 500 भी नहीं है। सम टाइम इतने लोगों का टेस्ट ही नहीं पास होता। यू विल अस्टॉनिश टू नो, कार कोरल की सीटें आई थी अभी 11वें ग्रेड की, के गाल पर 9वां ग्रेड था, लेकिन वो सीटीडी की थी, काउंटर टेररिज्म। उसकी तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है, 1.5 लाख के लगभग तनख्वाह होती है, और अख्तियार ज्यादा होते हैं। सीट का नाम छोटा है, कॉरपोरल सिपाही, लेकिन है बड़ी दबंग सीट, 11वें स्केल की। हाँ जी, तो दबंग सीट है। उसमें जितनी सीटें थी और जितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाना था, वो उतना डिजायर्ड नंबर भी नहीं पास कर सके। और हम रोते हैं जी 1 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, हम डर जाते हैं, पहले छोड़ देते हैं, इतने लोगों ने तो अप्लाई कर दिया है जी। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है। आप अपना देखें, आपको ये यकीन होना चाहिए कि हाँ जी, एक सीट भी है तो ये मेरी है। आपको तो एक सीट चाहिए ना, आपने 2 सीटों पे तो सिलेक्ट नहीं हो जाना सेम स्केल पे। तो फिर जो मैं ये बात निकली वो यहां से निकली कि सिंध के जैसे रिवर हैं, मैंने आपको बताया मलीर है, लियारी है, इंडस और हब भी यहां से गुजरते हैं, तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। फिर इसके अलावा सिंध के कुछ शहरों के नाम भी आपको याद होने चाहिए।
ठीक है, इंटरव्यू में सम टाइम वो आपसे पूछ लेता है, मुझे कराची के अलावा सिंध के कोई से 5 शहरों के नाम बताओ, बलोचिस्तान में कोयटा के अलावा कोई से 5 सिटीज के नाम बताएं। ये इंटरव्यू में बड़े रिपीटेड क्वेश्चन है, आल तो ये मतलब एग्जाम में नहीं आते इस तरह के, लेकिन वो इंटरव्यू में इस तरह पूछते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। अब केपीके के ऊपर अगर आप आ जाएं, तो केपीके के 8 रिवर है, सबसे ज्यादा रिवर खैबर पख्तूनख्वा में है, जिनके अंदर स्वात रिवर, शायद अगर आप उस तरफ गए हो ये स्वात वाली तरफ तो आपने देखा हो, पंजगोड़ा रिवर है, काबुल रिवर है, कुरम रिवर है, गोमल रिवर है, देन बलोचिस्तान में 7 रिवर हैं, जिनमें दश्त आ जाता है, हंगोल आ जाता है, हब आ जाता है। इनमें दश्त रिवर काफी इंपॉर्टेंट है, दश्त रिवर पे ना डैम बना हुआ है, कोई बता सकता है कौन सा डैम बना हुआ है? मेरानी डैम। अब पाकिस्तान में, हाँ जी, गिने चुने तो डैम है, कोई बोल ज्यादा लंबी चौड़ी तफसीलात तो है नहीं डैमों की, तो आपको फिर वो इस तरह के डैम होते हैं ना, जैसे दश्त रिवर है बलोचिस्तान में, उस पे है मेरानी डैम, तो वो इस तरह के क्वेश्चन आस्क करना पसंद करेगा, तरबेला, मंगला, खानपुर डैम, और जो है आपका आया भी हुआ है ना सर ये में, इस तरह के फिर वो पूछता है ना, तो या जिस तरह ये केपीके का रिवर है काबुल, उसके ऊपर जो है वारसक डैम है, वारसक डैम ओल्डेस्ट डैम है, ये वाला डैम तो जो है वो है जी बलूचिस्तान के दश्त रिवर पे, इसी तरह केपीके का एक रिवर है गोमल, उसके ऊपर एक डैम, सॉरी काबुल, उस पे एक डैम है वारसिक। अब गिने चुने जब डैम है तो वो फिर उनमें से पूछेगा ही, ठीक है, इसके अंदर से फिर वो क्वेश्चन, खानपुर डैम ये है इस तरफ करके इस्लामाबाद वाली तरफ, रिवर किस पे है, गालबन जेलम पे बनता है, लेकिन इसको कंफर्म कर लीजिएगा फिर भी एक दफा, बल्कि कंफर्म करके अभी अपडेट कर दें आप ग्रुप में। हाँ जी ये आते रहते हैं, ओल्डेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट तरबेल है, सबसे बड़ा तरबेल है हरिपुर में केपी के, और ओल्डेस्ट जो है वो वारसेक है काबुल रिवर पे केपी के में। ये साथ साथ अपने पास ना कोई कॉपी पेंसिल रख लें, और जो मैं आप लोगों को पॉइंट बता रहा हूँ कॉपी पेंसिल रख लें और साथ साथ लिखते जाया करें। अब ये जो बेसिकली मैं आपको पॉइंट्स बता रहा होता हूँ, ये पास पेपर, क्योंकि इतने सारे पेपर्स दिए जमाने तालबे इल्मी से लेके अब तक, तो वो जो पेपर में एमसीक्यू आए होते हैं वो अब फिंगर टिप्स पे होते हैं, याद होते हैं, वो लेक्चर के दौरान अचानक कोई याद आ जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, वो लिख लिया करें, और ये बड़ी मतलब आप समझे चांसेस होते हैं कि वो दोबारा रिपीट हो जाएंगे एमसीक्यू। चले, कानपुर डैम जो है वो हारो रिवर के ऊपर है, गुड हो गया। ये देखिए जी, कुछ मैंने आपको दरियाओं के नाम बता दिए जो डिफरेंट प्रोविंसेस में है, बट ये टॉपिक कोई बहुत ज्यादा इस हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा आप कोई याद वगैरह करें, ज्यादातर वो दरियाओं की तादाद पूछ लेता है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी, वो आपने याद कर लेनी है, कुछ मैंने आपको डैम्स का बताया वो आपने याद कर लेना है। अब जो पंजाब के 5 रिवर है ना, इनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए पाकिस्तान का ये मैप है, ये ऐसे करके, ये, और पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा मुल्क है, इंडिया, ऐसे करके हम नक्शा बनाते हैं ना, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, इसको याद कर लें, आगे हम जब ज्योग्राफी वगैरह का सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसके अंदर, वैसे मैं आपको मैप रीडिंग वगैरह सिखाऊंगा सारी ना,
और मुल्कों का भी बताऊंगा कौन सा कहाँ पे है, किससे हमारे कैसे रिलेशन है, क्या क्या मामला हैं। तो ये वर्ड बन जाते हैं न्यूज, NEWS, न्यूज। ये जो न्यूज होती है क्योंकि ऑल अराउंड द वर्ल्ड की होती है, तो इसीलिए ये वर्ड न्यूज, खबरें, यहीं से ड्राइव हुआ है। तो यहां अगर हम पाकिस्तान का नक्शा देखें और उसके दाएं तरफ देखें, राइट साइड पे, तो वहां पे कौन सा मुल्क पड़ रहा है? इंडिया। वेस्ट में कौन सा मुल्क है पाकिस्तान के? अफगानिस्तान। नॉर्थ में कौन सा मुल्क है पाकिस्तान के? पाकिस्तान चाइना, पाक चाइना भाई भाई। और यहां पे जिसको हम साउथ वेस्ट कहेंगे, क्योंकि ये वाली लोकेशन देखिए, यहां पे मैं एक दायरा बना रहा हूं जहां पे मैंने न्यूज लिखा है, ये यहां करके एक मुल्क है जिसका नाम है ईरान। ये कहां पे पड़ रहा है? ये नीचे साउथ है और ये वेस्ट है, तो इसको हम कहेंगे साउथ वेस्ट में है ईरान। और एक तरफ पाकिस्तान को जो है वो समुंदर लगता है, इंडियन ओशियन, और हमारा जो समुंदर है वो अरेबियन सी, बहरिया हिंद। तो एक दफा बॉर्डर्स के, जो हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर को जो कंट्रीज लगते हैं उनको दोबारा से देख लीजिए। पाकिस्तान के ईस्ट में, मशरिक में इंडिया है, वेस्ट में, मगरिब में अफगानिस्तान है, नॉर्थ में, शुमाल में चाइना है, एंड साउथ वेस्ट में ईरान। के लिए दो वर्ड यूज होंगे, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में ईरान है, और एक तरफ पाकिस्तान को समुंदर टच होता है, इंडियन ओशियन, हमारा अरेबियन सी है, बहरिया हिंद, जो उसको टच होता है। और पाकिस्तान के सूबे कितने हैं जी? चार, पांच, छह या सात? चार, पांच, पांच, चार। अच्छा, हमें अपने सूबों का ही नहीं पता। गुड, अब छह हो गए, माशाल्लाह। चलो, पांच तक तो थी बात, अब छह पे आ गई है। ये है जी सिंध, एक हो गया। अच्छा जी, ये है जी बलूचिस्तान, दो हो गए। ये है जी पंजाब, तीन हो गए। और ये है जी केपी के, चार हो गए जी। गिलगत बल्तिस्तान इज नॉट ए प्रोविंस, और जो छठा है वो पता नहीं कौन सा शामिल किया आपने। चार प्रोविंसीज हैं पाकिस्तान के, चार सूबे हैं सिर्फ। हाँ, गिलगत बल्तिस्तान का लोगों को ये होता है क्योंकि 2010 में जरदारी साहब ने, जब जरदारी की गवर्नमेंट थी, तो ये कोशिश की थी कि गिलगत बल्तिस्तान को सूबा बना लिया जाए, लेकिन वो नहीं कामयाब हुई। फिर इमरान खान के दौर में दोबारा से इस चीज के ऊपर बात हुई कि गिलगत बल्तिस्तान को सूबा बना लिया जाए, लेकिन तब भी नहीं बनाया हमने। ठीक है, तो पाकिस्तान के चार सूबे हैं। अब बात कर लेते हैं, आप पूछ रहे हैं आजाद जम्मू कश्मीर के बारे में। फाटा के बारे में, फाटा तो मर्ज हुआ है जी केपीके में। फाटा से क्या मुराद है? फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज,
ये कुछ एजेंसियां थी, आपने नाम सुना होगा कूरम एजेंसी, ठीक है, ये एजेंसियां कुछ थी, 7 एजेंसियां, उनको हम बोलते थे फाटा, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज, वो जम कर दिए गए हैं केपीके में। जम का मतलब इल्हाक कर दिया और वो केपीके सूबे का हिस्सा है, तो वो वाली तो तरफ चीज खत्म हो गई। अब जो लोग गिलगत और एजे के कह रहे हैं, ये आ जाता है जी आपका जीबी गिलगत बल्तिस्तान, यहां पे आपका आ जाता है एजे के आजाद जम्मू कश्मीर, एंड एक आता है आपका आईसीटी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। ये आपकी टेरिटरीज हैं जी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, आजाद जम्मू कश्मीर एंड गिलगत बल्तिस्तान, ये आपकी 3 टेरिटरीज हैं या स्टेट कह लें, ठीक है। ये आजाद इस्लामाबाद तो हमारा कैपिटल है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरीज इसको बोलते हैं। बाकी जो दो हैं गिलगत बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर, ये ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। ये क्या है जी? ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। आजाद कश्मीर का तो वजीर आजम भी अपना है, सदर भी अपना है अलग, सुप्रीम कोर्ट भी अलग है, ठीक है, तो ये अलग यूनिट्स हैं। चले, बात कहां से निकली थी, कहां पहुंच गई? अच्छा, इंडिया से देखिए, जब पाकिस्तान आजाद हुआ, हमें जहां बहुत सारे और चैलेंजेस का मुकाबला है, वहां एक हमारे लिए मसला ये भी है कि जितने दरिया, जो बड़े दरिया हैं, मेन बड़े दरिया यही 5 हैं, और पंजाब में आते हैं पंजाब, पंजाब 5 दरियाओं की जगह, तो ये जो उस तरफ से दरिया पाकिस्तान के तरफ आते थे वो 6 हैं वैसे टोटल, एक ब्यास भी है, लेकिन ब्यास जो है वो ऑलरेडी जम हो जाता है सतलुज में, ये वाला ना, इस वाले में सतलुज में जम हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि ये ब्लू लाइन जो खींची गई है, ये सबसे पहली पहली लाइन ये इंडस रिवर है, फिर ये दूसरी लाइन ये जेलम है, फिर तीसरी लाइन साथ में नंबरिंग भी की हुई है चनाब है, फिर चौथी लाइन रावी, फिर पांचवी ब्यास, एंड 6th वन इज सतलुज। ये 6 के 6 किस तरफ से आ रहे हैं? इंडिया की तरफ से। तो इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ दरियाओं का रास्ता रोक दिया, तो शुरू में जो जमाना था वो था भी एग्रीकल्चर का, और पाकिस्तान ने एग्रीकल्चर में तरक्की भी बहुत की है, यूब खान के जमाने में एक नाम होता था पाकिस्तान का, अब तो हम एग्रीकल्चर कंट्री भी नहीं रहे। तो जब इन्होंने पानी रोक दिया तो पाकिस्तान ने दाएं बाएं कहा मुल्कों को, यूनाइटेड नेशन को, वर्ल्ड बैंक को, तो फिर वर्ल्ड बैंक सालसी बना, सालसी का मतलब मीडिएटर, फैसला करने वाला। और 1960 में इसने एक मुआहिदा कर दिया जिसको कहते हैं सिंध ताश का मुआहिदा। इंडस बेसन ठीक है जी, 1960 में इसने ये फैसला किया कि जो पाकिस्तान के करीब है, इन 6 में से ये वाले 3, ये 3, इनका कंट्रोल पाकिस्तान को दे दिया जाए, और ये वाले 3 जो इंडिया की तरफ ज्यादा क्लोज है और पाकिस्तान की तरफ कम ही पानी जाता है, वो उनका कंट्रोल दे दिया जाए इंडिया को। तो वर्ल्ड बैंक ने ये सिंध ताश का मुआहिदा करवाया 1960 में, पाकिस्तान
पाकिस्तान के जिम्मे जो आए दरिया, ये ऊपर लिस्ट में 6 के नाम भी लिखे हुए हैं, अगर आपको थोड़ा नहीं नजर आ रहा तो इस पर जरा जूम करके देख लें या कोई ऐनक उनक पहन लें। ये वाले 6 इनमें से ये पहले 3 पाकिस्तान को दे दिए गए, और यहाँ पे भी देखिए नंबर की भी है। 1 का मतलब है वहां से पढ़ लें इंडस रिवर, 2 का मतलब है ऊपर लिखा हुआ है जेलम, 3 का मतलब है चनाब, 4 जहाँ पे लिखा है उसका मतलब है रावी, 5 जहाँ पे लिखा है वो उसका मतलब है ब्यास, और 6 जहाँ पे लिखा है उसका मतलब है सतलुज। तो पाकिस्तान के हिस्से जो 3 दरिया आए वो हैं इंडस, जेलम एंड चनाब। इसको आपने ऐसे याद कर लेना, ICJ। ICJ किसका मुखफ्फफ है? कोई अदारा है इस तरह का इस नाम से कोई? वेरी गुड, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कहां पे है इसका हेडक्वार्टर? हेग में। हेग कहां पे है? नीदरलैंड में। हेग नीदर फ्रांस में? नहीं जी, नीदरलैंड में। नीदरलैंड। तो आपने इसको याद करने के लिए कि पाकिस्तान के हिस्से में कौन से आए हैं, आपने ICJ मुखफ्फफ याद कर लेना है, इंटरनेशनल कोर्ट, क्योंकि ये एक फैसला हुआ था ना, वर्ल्ड बैंक ने एक फैसला किया था। फैसला कौन करती है? अदालतें करती हैं। तो ICJ से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और ICJ से दरिया कौन से बनते हैं? इंडस, जेलम और चनाब। ये 3 पाकिस्तान के हिस्से में आए, और ये कह दिया गया कि इन दरियाओं पे इंडिया जो है कोई अपने डैम नहीं बना सकता, इनका पानी कंट्रोल नहीं कर सकता, बट इंडिया बना रहा है। तो पाकिस्तान वैसे पिछले कुछ सालों में ये केस लेके भी गया था कि हमारे 3 दरियाओं पे इंडिया जो अपने डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो ये जो है इलीगल है, और इस तरह सारा कुछ पेश किया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नुमाइंदे बुलाए पाकिस्तान के और इंडिया के, पाकिस्तान की तरफ से पॉलिटिशियन, उनकी फैमिलीज और बड़े बड़े वो जो इंजॉय करने जाते हैं वो सारे पहुंच गए। इंडिया की तरफ से प्रॉपर जो इंजीनियर और जो पढ़े लिखे लोग थे वो गए। उन्होंने जी फैक्ट फिगर्स और ये सारी चीजों से ये चीज साबित कर दी कि पाकिस्तान को जो दरियाओं का पानी दिया जाता है, पाकिस्तान के पास उनको भी स्टोर करने के लिए डैम ही नहीं मौजूद, और पाकिस्तान को जो पानी दिया जाता है चूंकि इनके पास डैम नहीं मौजूद, तो जब बारिशें होती हैं या पानी अजाफी आता है तो ये सारा पानी यहां से गुजर के अरेबियन सी में जाके जाया हो जाता है। तो अगर हम पानी को कंट्रोल कर लेते हैं, डैम बना लेते हैं, हमारे किसी काम आ जाता है, तो इसका पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं है, और काफी हद तक वो ये केस जीत भी गए इंडिया वाले। इसीलिए वो अपने डैम धड़ाधड़ इन दरियाओं पे भी बना रहे हैं जिनका कंट्रोल वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, जो फैसला है सिंतास मुआहदा है, उसके मुताबिक नहीं होना चाहिए था। कल के लिए आप लोगों को एक असाइनमेंट दे रहा हूं, आप लोगों ने एक पाकिस्तान का इस तरह से मैप ड्रा करना है, उसमें जैसा मर्जी ड्रा कर दें, मुझे तस्वीर पेंटिंग से मतलब नहीं है। उसमें 4 प्रोविंस जाहिर होने चाहिए, एक पिक्चर आपने बनानी है, 3 टेरिटरीज, पांच रिवर, तीन डेजर्ट। डेजर्ट में अभी आपको दिखाता हूं, ये सारे आपने शो करने हैं उस एक पिक्चर के अंदर। ये असाइनमेंट है आप लोगों की, ठीक है? जो लोग नहीं है डिस्कशन ग्रुप में, मैं लिंक अभी शेयर कर लूंगा, वो ज्वाइन कर लें, उस ग्रुप में आपने ये शेयर कर देनी है। और अब जो लोग लेक्चर नहीं दिया करेंगे, असाइनमेंट पूरी नहीं करेंगे, टेस्ट टाइमली नहीं दिया करेंगे, सॉरी टू से,
मैं तीन एक महीने में तीन एबसेंटीज पे ग्रुप से आउट कर दूंगा, ठीक है। पढ़ने वाले चार पांच भी हो काफी हैं, बाकी जो नहीं पढ़ने वाले होते फिर डीमोटिवेशन होती है बाकियों को भी। तो ये कल की आप लोगों की असाइनमेंट है, डेजर्ट वगैरह हम देख लेते हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है जी? ये वाला, ये कौन सा रिवर है? सिंध, दरियाए सिंध या इंडस रिवर भी इसको बोलते हैं। इसको पाकिस्तान का नाइल भी कहा जाता है, नाइल ऑफ पाकिस्तान। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा है बताइएगा? दुनिया का जी लार्जेस्ट, नाइल कह रहे हैं एक स्टूडेंट ने, अमेज़न को बोल रहा है, नाइल बोला आयशा अस्कर ने, सिद्रा ने भी नाइल बोला। ये सारी औरतें इकट्ठी हो गई हैं, नाइल नाइल करी जा रही हैं। मैंने पूछा लार्जेस्ट, डेट इज अमेज़न। लॉन्गेस्ट जो है नाइल है जी, लंबाई वाइज सबसे बड़ा नाइल है, डेट इज लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट जो है वो अमेज़न है, ये ब्राजील वगैरह के अंदर है, ब्राजील मिस्र नहीं, मिस्र नहीं सॉरी, ब्राजील वाले एरिया में, अर्जेंटा वो जो कॉन्टिनेंट है आपका साउथ अमेरिका उस तरफ है। लार्ज एंड लॉन्ग की डेफिनेशन, लार्जेस्ट से मुराद है कि वाटर कैपेसिटी किसकी ज्यादा है। एमेजोन लार्जेस्ट है, बड़ा है, चौड़ा है, इसकी वाटर कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबाई में, जबकि लंबाई जो है वो सबसे ज्यादा नाइल की है। ये पॉइंट कहां से निकला कि पाकिस्तान का सबसे लंबा रिवर सिंध है, इंडस है, इसलिए इसको नाइल ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है, इसको स्कर्दू रिवर भी बोला जाता है, स्कर्दू रिवर भी इसको बोला जाता है। और सबसे स्मॉलेस्ट रिवर पाकिस्तान का कौन सा है? रावी। ये इनकी लेंथ दी हुई है, इंडस जो है 3,180 किलोमीटर है, आधी बात आपने ठीक की, आधी बात आपने ठीक नहीं की। ये रिवर्स का जो आप बता रहे हैं मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, रावी 720 किलोमीटर है, रिवर्स के इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यू देख लीजिए। स्मॉलेस्ट रिवर रावी है, लॉन्गेस्ट रिवर इंडस है, रिवर की लेंथ 3,180 किलोमीटर है, रावी की लेंथ 720 किलोमीटर है। इसके बाद हम डेजर्ट्स देखते हैं। अच्छा, आपने कहा फाइव रिवर ऑफ पंजाब मीट एट पंजनद नियर कोट मिथन। ये जो आपने पंजनद का लफ्ज यूज किया, अगर इसको हम हटा दें तो आपकी बात ठीक है। पाकिस्तान के पांचों रिवर कोट मिथन के मुकाम पे मिलते हैं जी। इधर कोट मिठन पे पांच, जबकि पाकिस्तान के चार दरिया से पहले देखिए एक पॉइंट बन रहा है, वो पंजनद के मुकाम पे मिलते हैं। कहा उसको पंजनद कहते हैं, हाँ जी, ये उच्च शरीफ और अलीपुर के दरमियान है पंजनद, यहाँ पे जो है ना वो
चार दरिया मिलते हैं, अलीपुर और उच्च शरीफ के दरमियान ये एरिया है, पंजनद, वहां चार मिलते हैं। और पांचवा देखिए कोट मिठन, ये वाला पांचवा, ये आके इनको ज्वाइन करता है कोट मिठन के मुकाम पे। तो इन पॉइंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, पंजनद हेड पंजनद अलीपुर और उच्च शरीफ के दरमियान है, जहां पे चार दरिया मिलते हैं, जबकि पांचवा जो सिंध है ऊपर से आता हुआ इनको मिल जाता है बाकी चार को कोट मिठन के मुकाम पे। कोट मिठन में एक मशहूर दरबार भी है, किसका दरबार है जी? पास पेपर का क्वेश्चन है ये। बाबा गुलाम फरीद, ख्वाजा गुलाम फरीद। अब बात कर लेते हैं डेजर्ट्स की। पाकिस्तान में डेजर्ट्स की तादाद डिफरेंशिएट करती है, कुछ कहते हैं तीन डेजर्ट हैं, कुछ कहते हैं पांच डेजर्ट हैं। अगर गिलगत बल्तिस्तान में भी एक डेजर्ट है उसको मिला लें, और चोलिस्तान और थर्ड डेजर्ट को अलग अलग हम कंसीडर करें तो पांच बन जाते हैं, वैसे तीन बनते हैं। ये डेजर्ट देखिए कहाँ कहाँ पे हैं। एक है जी थर्ड डेजर्ट, ये मियां वाली भक्कर साइड पे है, मतलब पंजाब में है। एक डेजर्ट ये है, इसको कॉमोलेटिव तौर पे थल बोला जाता है, और ये फर्टाइल डेजर्ट है, ओनली फर्टाइल डेजर्ट इन द वर्ल्ड, जहां पे ग्रीनरी उगती है। ओनली फर्टाइल डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज थल, सॉरी ऊपर वाला जो है वो थल है, नीचे वाला जो है वो थर है। ये जो थल डेजर्ट है ये अपना मियां वाली और भक्कर वाली साइड पे, ये पंजाब में पड़ता है, जबकि जो थर डेजर्ट है इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा इसका पड़ता है सिंध में, जहां इसको थर पारकर बोलते हैं, और एक हिस्सा इसका पड़ जाता है पंजाब में, ये जो लाइट कलर में है इसको बोलते हैं चोलिस्तान। ओवरऑल थरपारकर डेजर्ट है इसका नाम, लेकिन जो हिस्सा इस डेजर्ट का सिंध में है उसको थरपारकर, और जब ये अपना भावल नगर और भावलपुर वाली साइड पे पंजाब में एंटर होता है तो इसको बोलते हैं चोली। हाँ जी चोलिस्तान जीप रैली इधर ही होती है, बिल्कुल ये भावल नगर वाली साइड पे। और एक डेजर्ट पाकिस्तान का पड़ता है बलूचिस्तान में, जिसका नाम है खर्रान डेजर्ट। बलूचिस्तान में कौन सा है जी? खर्रान। और केपी के पाकिस्तान का वो वाहिद सूबा है जिसमें कोई भी डेजर्ट नहीं है, और दरिया सबसे ज्यादा है। कितने हैं दरिया जी? थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा केपीके में, आठ है जी। हाँ जी आठ, मीन्स केपीके में दरिया सबसे ज्यादा है, आठ, और डेजर्ट कोई है ही नहीं, जबकि पंजाब में थल डेजर्ट है और चोलिस्तान डेजर्ट है, दो डेजर्ट है। सिंध में थरपारकर डेजर्ट है, और जो बलूचिस्तान है उसमें खर्रान डेजर्ट है। इसके अलावा जो है गिलगत बल्तिस्तान, गिलगत बल्तिस्तान में भी जो है वो आपका एक डेजर्ट आ जाता है।
कटपाना डेजर्ट। डेजर्ट किसको बोलते हैं? सहरा को, जहां पे रेत होती है। रेतले इलाके में अगर जो है किसी जगह कोई नजर आ जाए वाटर और प्लांट्स वगैरह, जैसे वो प्लांट होता है कैक्टस वगैरह, तो उस एरिया को क्या बोला जाता है? किसी सहरा में भी अगर फूल खिल जाए, पानी की अवेलेबिलिटी हो जाए, कैक्टस वगैरह इस तरह के सहराई पौधे निकल आए, तो उसको क्या बोला जाता है? ओएसिस। उर्दू में इसको कहते हैं नखलिस्तान। ओएसिस या नखलिस्तान। डेजर्ट टोटल कितने हुए? डेजर्ट इसकी तादाद हम फिक्स नहीं कर सकते कोई, क्योंकि सम सोर्सेस कहते हैं कि तीन डेजर्ट हैं, ये वाले तीन, एक इसको इकट्ठा कंसीडर कर लेते हैं, दो और इसको कंसीडर कर लेते हैं, तीन। अगर इनको अलग अलग कंसीडर किया जाए, चोलिस्तान वाले को, तो ये बन जाते हैं चार, और अगर इसके अंदर ऐड कर लिया जाए स्कर्दू वाला, कटपाना डेजर्ट, स्कर्दू गिलगत बल्तिस्तान वाला, तो वो बन जाते हैं पांच। इसलिए ये एक डिस्प्यूटेड एमसीक्यू है। कुछ एमसीक्यू मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि डिस्प्यूटेड होते हैं, जिसका आंसर आपको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मिलता है। और पेपर में ऐसे दो से तीन एमसीक्यू आते हैं, मतलब आपने मार्जिन रख के जाना है, ये दो से तीन एमसीक्यू आपके गलत होने ही है। पास पेपर्स में भी आपको मिलेंगे जिनका मोर देन वन आंसर होता है, या वो आंसर होता है जो एग्जामिनर के माइंड में होता है, बूझो तो जाने, उसके जो माइंड में आपने वो बताना है। आप इतनी लक बाज का नहीं काम करती कि आप एग्जैक्टली वही बता सकें जो एग्जामिनर जब पेपर बनाने लगा था, आपका पेपर सेट करने लगा था, तो उसके माइंड में क्या था। अब वो अगर घर से लड़के आया हुआ है, तो वो तो फिर मुश्किल पेपर भी बना सकता है। वो इस चीज का मैंने बताया कि ऐसा पार्ट डेजर्ट का जहां पे वाटर अवेलेबल हो। नहीं, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन नहीं है, डेट इज नॉट ए डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, डेट इज ए क्लियर कट क्वेश्चन। लार्जेस्ट इज एमेजोन एंड लॉन्गेस्ट इज नाइल, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी, ओएसिस को नखलिस्तान कहते हैं, और ओएसिस क्या होता है? ओएसिस वो जगह होती है जो सहरा के अंदर कहीं पे पानी अवेलेबल हो और वहां पे कुछ पौधे लगे हुए हो, सहरा में फूलों का खिल जाना, उस एरिया को ओएसिस या नखलिस्तान बोला जाता है। अगर हम मेजर तीन के हवाले से बात कर लें, तो थल डेजर्ट पंजाब में है, जो मैंने आपको दिखाया भक्कर और मियां वाली साइड पे। थर डेजर्ट उसके दो हिस्से बन जाते हैं, एक को थरपारकर बोला जाता है जो सिंध में है, और उसका जो हिस्सा पंजाब में है उसको चोलिस्तान बोला जाता है, जहां पे चोलिस्तान जीप रैली भी होती है। और इसके बाद खरान डेजर्ट है, वो बलूचिस्तान में है, जबकि केपी के अंदर कोई भी डेजर्ट नहीं है। ठीक है जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी किस्म की कोई चीज आपको जो ना समझ आई हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी भी डेजर्ट में प्रेजेंट हो सकता है ओएसिस। आम तौर पे ये जो हमारा डेजर्ट है सिंध वाला, उसको तो फर्टाइल डेजर्ट कहा जाता है, उसमें बेशुमार नखलिस्तान है। इसके अलावा हर डेजर्ट में कहीं ना कहीं कोई मौजूद होता ही है, बिल्कुल कहीं पानी अगर मौजूद है जेर जमीन, वहां एक आधा पौधा या सहराई पौधे निकले होते हैं।
जी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, मैं एड्रेस कर देता हूँ। ये पीडीएफ आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, और जो है साथ में एक पास पेपर असिस्टेंट इन पंजाब पुलिस का, वो भी मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, दोनों को रीड आउट करें। तोबा से मुराद आपकी टिब्बा है, कुछ टिब्बे भी होते हैं, टिब्बा अलग चीज होती है, ये तो मैदानी इलाकों में जो मिट्टी के ढेर होते हैं कई जगह पे, हम रास्ते में जा रहे हो देखते हैं, उसको आमतौर पे बोला जाता है। जिनको एमसीक्यू भूल जाए वो क्या करें, देखें इसका बार बार रीडिंग करना हल है, अपनी ऑब्जेक्टिविटी को बेहतर करना हल है, और कोई ऐसा हल नहीं है बादाम या बादाम खा लें। कोई हकीमाना मशवरे दे देता हूँ आपको, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद लंबी दुआ किया करें अपने हक में, ठीक है, और पेपर को भी 2-3 बार रीड आउट किया करें। जहाँ कैमल्स को पानी पिलाते हैं, अगर वहां साथ कुछ पौधे शोधे मौजूद हैं तो उसको हम बोलेंगे, साथ में ग्रीनरी भी होना जरूरी है, सिर्फ जस्ट लाइक वेल ना हो, कुआं ना हो, साथ पौधा ग्रीनरी का एनवायरनमेंट भी हो। एसपीएससी के एस सच पास पेपर्स नहीं है, उसमें भी जो जनरल नॉलेज के पेपर हैं वो सेम ही पैटर्न पे होने हैं। मैंने शुरू में यही चीज क्लियर की कि जो आपका है ना वन पेपर, वो वन पेपर पीएमएस में भी वही है, सीएसएस का एमपीटी टेस्ट भी वही है, आप जिस मर्जी प्रोविंस से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ पे सिंध वाले भी हैं, आजाद कश्मीर के भी हैं, केपीके के भी हैं, आपके सर्विस कमीशन में भी जो वन पेपर एग्जाम आना है उसका सेम सिलेबस ही होना है। इस कंफ्यूजन को आप दूर कर लें, नॉलेज इज सेम फॉर ऑल, ये जो चीजें मैंने बताई किसी भी पेपर में आएंगी तो चेंज तो नहीं हो जानी, तो जो पास पेपर होते हैं वो भी सारों पे ही अप्लाई होते हैं, और ऐसा भी नहीं होता कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल किसी सीट पे अप्लाई किया है तो उसी के पेपर पढ़ने हैं, नहीं, आपने सारे ही पेपर पढ़ने होते हैं, बाकी डिपार्टमेंट बाकी जो भी आपको जनरल नॉलेज का पेपर मिलता है आपने उसको रीड आउट करना होता है जी। चलें ठीक हो गया जी, थैंक यू फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़।